हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पी मैथ क्लासेस में व्ययस से बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से लेकर के जिन छात्रों का जो है कि अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ था बीए बीएससी बी एस सी एम एम एस एम कॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का उन सभी छात्रों के रजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कुछ छात्रों का रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी हो चुका है तो आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे तो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करेंगे आर एम ए यू तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा इसके बाद आप नीचे आएंगे नीचे आने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आप यूनिवर्सिटी कारनर यूनिवर्सिटी कार्नर के नीचे आएंगे यहाँ पे आपको स्टूडेंट कारनर का एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट कारनर का एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट कारनर वाले ऑप्शन से थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट मार्कशीट रिजल्ट मार्कशीट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है कि वेबसाइट ओपन हो जाएगी वेबसाइट ओपन होने के बाद जो है आप नीचे आएंगे व्यू रिजल्ट्स 2022 वाले ऑप्शन पर जो है कि आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है कि ओपन हो जाएगा आप नीचे आएंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है कि अभी जो फिलहाल में रजल्ट जारी किए गए हैं दो रजल्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं बी थर्ड ईयर फाइफ सेमेस्टर और बी टेक थर्ड ईयर फाइफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है तो यहीं पे जो है कि अगर हम लोग बात करें कि बीए बीएससी बी काम जो बचे हुए छात्र हैं सेकेंड ईयर के और यम एम एस काम के जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं इन छात्रों का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा तो यहाँ पर देरी क्यों लग रहा है पहले हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के जो छात्र बचे हुए हैं बी ए बी एस सेकेंड ईयर के छात्रों का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा तो रिजल्ट में देरी होने का यही कारण है कि छात्र जो है कि प्रथम वर्ष में प्रमोट किए गए थे प्रमोट होने के कारण जो है कि यूनिवर्सिटी को प्रथम वर्ष के साथ साथ में उनका द्वितीय वर्ष का भी जो है कि रिजल्ट तैयार करना पड़ रहा है इसलिए जो है कि यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा इनका कार्य करना पड़ रहा है इसलिए जो है कि रिजल्ट में देरी हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा तो कापियों का मूल्यांकन का कार्य जो था वो लगभग खत्म हो चुका है जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही है तो कापियों का कार्य मूल्यांकन खत्म हो चुका है तो अब जो है कि कापियों का जो मूल्यांकन खत्म होने के बाद जो है कि अंक आपके जो है कि मार्कशीट का कार्य चल रहा है जैसे अपलोडिंग का कार्य चल रहा है तो आप लोग वेट करिए जल्द से जल्द जो है कि आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा क्योंकि इधर जो है कि यूनिवर्सिटी जो है कि एग्जाम कराने में व्यस्त थी थोड़ा क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम हो रहा था बी ए बी एस सी बी काम के सेकेंड सेमेस्टर का तो आप सभी छात्रों का रिजल्ट जो है कि जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा मान के चलिए कि आप सभी छात्रों का रिजल्ट जो है कि तीस अगस्त तक जो है कि अपलोड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगर नहीं तो एक दो दिन बाद भी आपके रजल्ट जारी हो जाएंगे तो यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जो है कि ई एम एम एस के रिजल्ट कब तक जारी होंगे ई और एम और यम काम के रजल्ट कब तक जारी होंगे तो इन सभी छात्रों का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा इनके भी रिजल्ट में वही प्रोसेस हुआ था क्योंकि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में तो कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट ईयर का रिजल्ट में केवल एक ही वर्ष का तैयार करना है एम ए एम एस सी एम कॉम का तो इनका रिजल्ट जो है कि मान के चलिए कि तीस अगस्त तक एम ए एम एस सी एम काम के जो छात्र हैं प्रथम वर्ष के जारी होने की पूरी संभावना है यहीं पे बात किया जाए कि सेकेंड ईयर के छात्रों का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा तो सेकेंड ईयर के छात्रों का रिजल्ट में देरी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये छात्र जो है कि प्रमोट किए गए थे प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में प्रथम वर्ष में प्रमोट किए गए थे प्रथम वर्ष के साथ में इनका द्वितीय वर्ष का भी जो है कि कार्य हो रहा है तो मतलब कि इनका रिजल्ट अपलोड किया जा जाएगा अर्थात पहले जो सेकेंड ईयर के मार्क आएगा उसी मार्क के हिसाब से इनका फर्स्ट ईयर में जो है कि इनको मार्क दिया जाएगा तो इसलिए जो है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के कापियों का मूल्यांकन होगा उसके बाद उसी के बेस मान कर के इनको प्रथम वर्ष का भी रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो और प्रैक्टिकल के मार्क भी जो है कि इनके जो जैसे वाइबा जिनका हुआ था वाइबा जिनका हुआ था वाइबा में जो इनका जैसे जिसका प्रथम वर्ष में हुआ था प्रथम वर्ष के हिसाब से ही जो है कि इनका द्वितीय द्वितीय वर्ष के हिसाब से ही जो है कि इनको प्रथम वर्ष में भी वाइबा और प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे तो इनका रिजल्ट्स में देरी इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रथम वर्ष में प्रमोट हुए थे प्रमोट हुए छात्रों का रिजल्ट यूनिवर्सिटी को दो बार काम करना पड़ रहा है इसलिए जो है कि देरी हो देरी हो सकता है इनके रिजल्ट में तो मान के चलिए आप लोगों का रिजल्ट जो है कि पाँच सितंबर के पहले पहले हंड्रेड परसेंट जारी होने के पूरे चांसेस हैं आप सभी छात्रों का रिजल्ट जो है कि पूरा जारी हो जाएगा तो आप सभी छात्र अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन रहे तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों तक पहुँचाया जा सके तब तक के लिए जय हिंद जय भारत